हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। शाना, तुम्हें बीबी जान से इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा भी मैंने क्या गलत कह दिया? तुमने उनसे जिस तरह बात की है, आज तक उनसे इस तरह किसी ने बात नहीं की। वो मेरी शौहर की दूसरी शादी का सोच रही हैं। वो मुझ पे सौतन लाने का सोच रही है और मैं बात भी नहीं कर सकती। अरे बुजुर्ग हैं वो, और फिर मेरी माँ भी हैं, उनको सब कुछ कहने का हक है। और फिर मैं तो दूसरी शादी नहीं कर रहा ना। उन्होंने मुझे बांझ होने का ताना दिया और आप चुप रहे। देखो शाना, मैंने तुम्हें शादी से पहले भी ये बात बता दी थी कि वो तुम्हें जो भी कुछ कहेंगी तुम्हें एक कान से सुनना और दूसरे से निकालना पड़ेगा। मैं मशीन नहीं हूँ, सांस लेती हूँ, जीती जागती इंसान हूँ। उन्हें मुझ पे शक है कि मैं बांझ हूँ। हम एक टेस्ट करवा लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कमाओ यार, वो पुराने ख्यालात की औरत है, वो तुम्हारे इस मेडिकली टेस्ट वेस्ट इन सब चीजों पर यकीन नहीं रखती है। बस वो दूसरी शादी पर यकीन रखती है। अहमक बनने के लिए एक शादी ही काफी होती है, समझी तुम? आप दूसरी नहीं तीसरी जितनी शादियां करनी है कर ले, मेरी तरफ से इजाजत है, बस। प्लीज यार, प्लीज, मुझे तुम पर और अपने आप पर पूरा एतमाद है। मुझे आप पर एतमाद है। एक टेस्ट करवाने में क्या हर्ज है? अरे कैसा टेस्ट, किस चीज का टेस्ट? बीबी जान की तसल्ली के लिए हम दोनों का टेस्ट जरूरी है। वैसे बीबी जान बिल्कुल ठीक ही कह रही थी कि प्रॉब्लम तुमने। ये तो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। बस शाना बस, इससे पहले कि मेरी बर्दाश्त की कुव्वत जवाब दे जाए, चुप हो जाओ तुम। चुप करवाना है तो अपनी अम्मा जान को करवाएं, जो हमारी पुरसुकून जिंदगी में जहर घोल रही हैं। ओ शट अप, यू शट अप। देखो अगर मेरे अंदर का वहशी जाग गया ना तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा मैं। बस मलिक साहब बस, एक टेस्ट करवाने की तो आप में हिम्मत नहीं है, चले हैं मेरे टुकड़े करने। प्लीज चुप हो जाओ तुम, चुप कर जाओ तुम। तीन साल मैं और शाहाना एक दूसरे से कभी नाराज नहीं हुए। फिर पहली बार मैंने उस पर गुस्सा किया टेस्ट के नाम पर। टेस्ट का नाम सुनकर मेरे बदन में आग लग गई थी। अगर एक मर्द को शक की निगाह से देखा जाए तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है? साहब जी चाय। बेगम साहबा नाश्ता नहीं करेंगी? वो बेगम साहबा तो सवेरे सवेरे ही कहीं चली गई। कहाँ कहाँ गई हैं? ये तो पता नहीं। और गुलाम सरवर जी? वो भी साथ गया है। गुलाम सरवर कह रहा था कि बेगम साहबा को किसी सेमिनार में जाना है, कच्ची आबादी में, शाम तक ही वापस आएंगे। साहब जी मैं आपको अंडे उबाल दूँ? नहीं रहने दो। वो छोटी बीबी कहती है कि अंडों में बड़ी जान होती है। अच्छा नहीं बस चाय दो मुझे तुम। गलती से हो गया, माफ कीजिएगा साहब जी, मैं ये साफ कर दूँ। कहते हैं जवान मर्द और जवान औरत के दरमियान शैतान जरूर होता है। उस रोज भी यही हुआ, मुझ पर शैतान गालिब आ चुका था। वैसे ही शाहाना की रात वाली बात मुझे चुभ रही थी फांस की तरह। ये लो, मैं कपड़े खरीद लेना अपने लिए। शुक्रिया साहब जी। ओफ, ट्रैफिक में फंस गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बंदा आगे जाए या पीछे जाए। क्या क्या, क्या हो गया? अरे भाई कोई रैली निकल रही थी। आप ऑफिस नहीं गए?
नहीं, वो तुमने कहा ना कि ट्रैफिक जाम था, मैंने देख लिया था न्यूज़ पे। शाना एक मिनट, वॉशरूम में कोई है? कौन है? वो नरगिस। नरगिस? वो मेरे वॉशरूम में क्या कर रही है? वो सफाई कर रही थी, मैंने ही कहा था उसको। नरगिस, नरगिस जल्दी आओ, बेगम साहब ने वॉशरूम जाना है। साहब जी साफ हो गया। ये मेरा टावल लेके कहाँ जा रही हो? वो बेगम साहबा फर्श पे गिर गया था तो मैं धोबी को देने जा रही थी। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, एक कप चाय लेकर आना मेरे लिए। दो कप? दो कप चाय लाओ, बहुत दिन हो गए मैंने अपनी बेगम के साथ चाय नहीं पी। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? नहीं कुछ, बीपी सा लो हो रहा था। अच्छा चले मैं चेक करती हूँ। सच बात तो ये है कि शहाना और नरगिस में जमीन आसमान का फर्क था, एक पानी थी तो दूसरी आग। प्यार का असल मफहूम तो मैंने नरगिस ही से सीखा था, और अब मैं उस दोहराए पर खड़ा था जहां जहां उन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना था। शहाना बीवी थी तो नरगिस महबूबा। एक कप चाय पिला मुझे। जी साहब जी। क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है? साहब जी मैं। क्या? हाँ। अब क्या होगा? साहब जी आप फिक्र ना करें, मैं आपकी इज्जत नहीं खराब होने दूंगी, जान दे दूंगी मैं, पर आप पे आंच नहीं आने दूंगी। बीबी जान को पता चला तो वो तो जान से मार देंगी तुझे। साहब जी मैं बच्चा देती हूँ। तो नहीं, बच्चा चाहिए मुझे, मैं खुद बात करूंगा बीबी जान से। बीबी जान कैसे मानेंगी? ये बच्चा नाजायज नहीं होगा, निकाह करूंगा मैं तेरे साथ। वो तो ठीक है, पर छोटी बीबी जी। तो छोड़ उसको, उसको तो वैसे ही फारिग करने वाला हूँ मैं। इसका मतलब आप छोटी बीबी को तलाक देने के बाद मुझसे निकाह करेंगे? पर गुलाम सरवर, वो तो मेरे बचपन का मंगेतर है ना साहब जी, उसका क्या बनेगा? वो तो छोड़ उसको, उसको संभाल लूंगा मैं, और वैसे भी तू मुझसे प्यार करती है, ये बात बताई तो नहीं तूने उसको? आपसे प्यार करने वाली बात? हाँ। नहीं साहब जी अभी तक तो नहीं बताई, पर बतानी तो पड़ेगी ना मलिक साहब। ठीक है, तो गुलाम सरवर को तो समझा लूंगा मैं। पर मलिक साहब गुलाम सरवर मेरा बचपन का साथी है, उसे कोई गम नहीं होना चाहिए। तो कुछ नहीं होगा, उसको संभाल लूंगा मैं। देख रहे मलिक साहब, हम लोग तो गुलाम लोग हैं, कहीं बीबी जान से मैं खुद बात कर लूंगा, बस ख्याल रख तू अपना, वैसे भी मेरे दिल की मलका है तो कब इस घर की मलका बन के राज कर। एक तरफ शहाना थी तो एक तरफ गुलाम सरवर, एक तरफ बीबी जान थी तो एक तरफ नरगिस। मैं ऐसे महाज पे खड़ा था जिसके चारों तरफ हमलावर खड़े थे। मैंने सबसे पहले गुलाम सरवर से बात की। गुलाम सरवर, तुझे दुबई भेज रहा हूं मैं, वहां तुझे मेरे ऑफिस में मैनेजर की नौकरी करनी है। मैं तो अनपढ़ हूं साहब, ड्राइविंग के अलावा कुछ नहीं जानता, मैनेजरी मैं कैसे करूंगा? मैनेजर का काम है कि
वहां तू निगरानी करेगा मेरे दफ्तर की और जासूसी करेगा। तेरी तनख्वाह 2 लाख रुपए होगी, समझा? नरगिस का क्या होगा साहब, इस साल हमारा निकाह है। भूल जाओ उसे, मेरे बचपन की मांग है साहब। वो किसी और से प्यार करती है। मलिक साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? प्यार करता है तू उसे बहुत ज्यादा। तू नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी अच्छी गुजरे? चाहता हूं साहब। तो फिर सुन, वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। जी? अब भी तू उससे शादी करना चाहता है? नहीं साहब, मैं ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकता हूं जो आप। बस ठीक है, फिर अब तू इस बात को भूल जा। साहब, नरगिस मेरी बचपन की दोस्त है, कजन है, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। इसका मतलब है कि अब तुझे दुबई भेजने की जरूरत नहीं है? नहीं साहब, नरगिस को वो सुख मैं कहाँ दे सकता हूँ जो आप दे सकते हैं। ठीक है, आज से मैं तेरी तनख्वाह में 10,000 रुपए का इजाफा कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जा देख दरवाजे पे कौन है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बता, कौन सी इमरजेंसी होगी भाई? बीबी जान, आप दादी बनने वाली हो क्या? आज तो तूने मुझे खुशी कर दिया। बता बहू किधर है? शाहना तो ड्यूटी पर गई है। ओहो, तूने इस हालत में उसको ड्यूटी पे क्यों जाने दिया? बीबी जान, प्रेग्नेंट शाहना नहीं है। अभी तो तूने कहा कि मैं दादी बनने वाली हूँ। हाँ, लेकिन मैंने बीबी जान को सारी तफसील, सारी राम कहानी और शादी से आगाह कर दिया था। बीबी जान का जो फैसला था वो मेरे अंदाजे के मुताबिक ही था। मैं एक कमी को अपनी बहू नहीं मान सकती। इसी वक्त नरगिस और गुलाम सरवर को फारिग कर। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, और आप कह रही हैं मैं उसको फारिग कर दूँ? मैं किसी नाजायज को अपना वारिस नहीं मान सकती। निकाह कर लूंगा मैं उससे, वो बच्चा नाजायज नहीं कहलाएगा। ओ नहीं पुत्र, ये नामुमकिन है। ठीक है ठीक है, लेकिन फिर आपको अपने इस बेटे से भी हाथ धोने पड़ेंगे। मैं तो तुझसे पहले ही बेजार हूँ। बचपन से आज तक मेरी मर्जी से कुछ काम किया है तूने? अब आप कुछ भी समझे, लेकिन नरगिस से तो मैं निकाह करके ही रहूंगा। जिद ना कर। जिद तो आप कर रही हैं बीबी जान, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं नरगिस से शादी करके हमेशा के लिए मुल्क छोड़ दूंगा। बकवास बंद कर, कुछ सोचती हूं मैं। आप सोचती रहिए, लेकिन मलिक जो एक बार सोच ले फिर वो करके ही रहता है। ठीक है, नरगिस से तेरा निकाह होगा पर खुफिया होगा, किसी को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए। मुमकिन हो सकता है कि किसी को इस बात की खबर ना लगे। पर डॉक्टरानी का क्या बनेगा?
उसका भी मैंने सोच लिया। औलाद आजमाइश ही होती है पुत्र। बीबी जान मेरी माँ थी, बीबी जान को मेरी जिद का अंदाजा था, इसलिए बीबी जान ने मामलात को उलझने से रोक लिया। वो मान गई। बीबी जान के पास मेरी बात मानने के सिवा कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। शाहाना तो उसी दिन मेरी नजरों से गिर गई थी जिस दिन उसने टेस्ट की बात की थी। ये भी तय हो गया था कि शाहाना बांझ है। शाहाना अपनी खराबी को छुपाने के लिए मुझ पर शक कर रही थी। मैंने शाहाना को तलाक दे दी। देता हूं। क्या बक रहे हैं? मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मेरा कसूर क्या है? मैं तुम्हें तलाक देता हूं। सरफराज, अब तुम जा सकती हो इस घर से। हाँ। और हाँ, तुम चाहो तो इस घर से जो भी सामान है वो अपने साथ लेके जा सकती हो। आपने मुझे तलाक दी, कोई बात नहीं। तलाक की वजह तो बता दें ताकि मैं बता सकूं कि इस वजह से मुझे तलाक हुई है। वजह है, और बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जो औरत मुझे एक औलाद नहीं दे सकी, एक वारिस नहीं दे सकी, वो औरत मेरे किस काम की। शुक्रिया। वैसे सरफराज, खराबी मुझ में नहीं तुम में है। इस लिफाफे में तुम्हारी रिपोर्ट्स हैं। जिंदगी में अगर जरूरत महसूस करो तो इसको जरूर देखना। मैंने कहा था ना, शाहाना बहुत सर्दमहर औरत थी। मैंने उसे तलाक दी और उसने बिल्कुल बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, बल्कि खामोशी के साथ चली गई। मैंने नरगिस से खुफिया निकाह कर लिया और जिंदगी मामूल पर आ गई। मैं हर तरह से नरगिस का ख्याल रखने लगा, मगर पता नहीं क्यों आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसी सूरत में ऐसा ही होता है। तुम मलिक साहब को छोड़ के आए हो ना? अरे हाँ, अभी तो वो मीटिंग में होंगे। वैसे जब से तू मालकन बनी है मुझे नजरअंदाज कर रही है। हाँ, क्योंकि मुझे अब डर लगने लगा है। मैं ये राज और कब तक छुपाऊँ? जब तक जिंदा हो। सोच, तेरा और मेरा बेटा राज करेगा, बड़े स्कूल में जाएगा, वलायत तक जाएगा पढ़ने, राज करेगा राज। पर तेरा असल मर्द तो मैं हूं ना। तूने तो बड़ी मुसीबत में डाल दिया मुझे। ये एक लंबी स्टोरी है, और तू जानती है तेरी चाची और मेरी फूफी ने खुदकुशी क्यों की थी? क्यों? बड़े मलक ने मेरी चाची की इज्जत खराब की थी। मैंने इनकी नस्ल से बदला लिया, खोट डाल दिया इनकी नस्ल में। तू तो बड़ा ही चलाक निकला। अरे ये है साहब जी,
सेठू साहब मलिक बात कर रहा हूँ। मेरे घर में दो मर्डर हो गए, प्लीज जल्दी आइए आप प्लीज। लाश पोस्टमार्टम के लिए जाएगी, एक एक चीज का अच्छी तरह मायना कर लो। समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है आपके चक्कर में, मेरा मतलब है कि आपको मारने आए हो और गलती से इन्हें मार दियो। हो सकता है, ये भी हो सकता है। तफ्तीश का असल आगाज पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद शुरू होगा। उन दोनों को मैंने ही मारा था और उन दोनों के साथ होना भी यही चाहिए था। पुलिस इब्तदाई तफ्तीश कर चली गई थी और मैं मजीद तफ्तीश से बचना चाहता था, इसलिए मैंने पुलिस को खरीदने की कोशिश की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त आपने हमें कॉल की उसके कुछ सेकंड पहले मर्डर हो चुका था। मर्डर आपने किया? गलत समझ रहे हैं आप, मर्डर मैंने नहीं किया है। जिस पिस्तौल से मर्डर हुआ है वो आप ही की थी? हाँ। नरगिस आपकी बीवी थी? देखिए इंस्पेक्टर साहब, जो हो गया उसको भूल जाइए और अपनी कीमत बताइए। केस आपके हाथ में, 2 करोड़ डन, 1 हफ्ते में मिल जाएंगे। मलिक साहब आप इकरार जुर्म कर रहे हैं, अब क्या फायदा, अब मेरी और आपकी डील हो चुकी है। मलिक साहब फाइल बंद करने के लिए तफसील का होना जरूरी है ताकि बाद में कानूनी पेचीदगी से बचा जाए। नरगिस और मेरे ताल्लुकात थे, वो प्रेग्नेंट हो गई थी और मैं समझ रहा था कि वो बच्चा मेरा है, लेकिन मैं समझ गया, इसीलिए आपने अपनी डॉक्टरनी बीवी को तलाक दी थी। सही समझे हैं आप। चलिए उठिए, हम आपको 2-2 मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार करते हैं। इंस्पेक्टर साहब लेकिन मेरी अभी आपसे। सलीम चल उठा इसे, बड़ा मालिक बना फिरता है, मुझे खरीदने चला है, लेके चल इसको। दोहरे कत्ल के इल्जाम में मैं अंदर हूं, बारिश की ख्वाहिश में लावारिस हो गया। अच्छी प्यार करने वाली बीवी को तलाक दे दी। 5 सिर्फ औरत नहीं होती, मर्द भी हो सकते हैं। मैं भी बांझ हूं और साथ साथ लावारिस भी। मैं शाहाना से माफी मांगना चाहता हूं, उससे माफी मांगना चाहता हूं।